वो एक सीरियल बन रहा है राधे माँ, हम लोग उसमें भक्तों का रोल कर रहे हैं और राधे माँ का रोल स्वयं एसपी सिंह भाई साहब कर रहे थे। ये करना था, ये सब कुछ नहीं था। अब अभी ने हमको बहुत तारीफ की कि चलो एक रोल तो तुम्हारे भैया को मिला, ये तो टीचिंग कराते कराते टाइम बीत रहा है। फिर तो मैं एक व्यंग्य की कविता सुनाता हूँ, डॉक्टर्स लोग यहाँ बैठे स्वागत। और ये कविता मेरे जीवन की पहली कविता है। क्या बात, पहली कविता। मैं कक्षा 9 में था तब मैंने ये कविता लिखी थी और मैंने पिताजी को सुनाई तो उन्होंने अप्रिशिएट किया, बोले हाँ तुम अच्छा लिख सकते हो। तो कक्षा 9 का बच्चा जो है वो कविता सुना रहा है, लेकिन उसमें व्यंग्य आपको नजर आएगा, हास्य भी नजर आएगा। ये कविता मैं डॉक्टर एस डी सिंह को समर्पित करता हूँ या जितने यहाँ पे चिकित्सक बैठे हैं उनको समर्पित करता हूँ। स्वागत। सुनिएगा, वो छोटी सी है, एक मिनट की। मैंने एक कविता बनाई, ये ध्यान रखिएगा कि सर्वेश अस्थाना, जन्मतिथि 10 सितंबर 1900 समथिंग, असली नहीं बताऊंगा नहीं तो आप लोग मेरी उम्र जान जाएंगे। मैं भी महिलाओं से कम नहीं हूं उम्र छुपाने के चक्कर में। अभी 15 दिन ना नहाऊं तो भारती जी से ज़्यादा सफ़ेद बाल निकलेंगे हमारे। क्या बात है। मैंने के बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा। मैंने एक कविता बनाई, सबसे पहले उसे एक डॉक्टर को सुनाई। मैंने ये, मैं फिर बता दूं कि मैं बहुत वर्षों के बाद इस कविता को सुनाने जा रहा हूं, हो सकता कहीं हल्का सा अटकूं लेकिन अटकूंगा नहीं क्योंकि मैं रटने में बहुत माहिर था। सही बात है। सूर कबीर तुलसी रटे पूरी जिंदगी पार कर दी। हाई स्कूल में इन्हीं तीनों में से एक लिखने को ज़रूर आता था, बाकी कवि हमने पढ़े ही नहीं। और आप लोग जो हंस रहे हैं आपने भी यही तीन पढ़े हैं। मैंने एक कविता बनाई, सबसे पहले उसे एक डॉक्टर को सुनाई। डॉक्टर मेरी पूरी कविता सहन कर गया। कविता ख़त्म होते होते बेहोश होकर गिर गया। ये उस समय लिखी थी जब चीनी जो थी वो 40 रुपए किलो हो गई थी। अब तो पता नहीं क्या, मुझे मालूम नहीं, पत्नी लाते हैं। 40 रुपए किलो हो गई थी और मिट्टी का तेल जिसको केरोसिन कहते थे, वो हम लोगों के यहाँ यूज़ होता था, उसी की डिब्बी में पड़ते थे, वो 1.5 रुपए लीटर हो गया था। तो बहुत तहलका मच गया था उस समय। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये कविता लिखी थी। मैंने एक कविता बनाई, सबसे पहले उसे एक डॉक्टर को सुनाई। डॉक्टर मेरी पूरी कविता सहन कर गया। कविता ख़त्म होते होते बेहोश होकर गिर गया। डॉक्टर को होश नहीं आ रहा था, मेरा दिल घबरा रहा था। कि अरे मैंने उसे सिर्फ एक कविता ही तो सुनाई है। अगली पंक्ति व्यंग्य बन जाएगी, आप ताली बजा देना कि अरे मैंने उसे सिर्फ एक कविता ही तो सुनाई है, कोई चीनी और मिट्टी के तेल के दामों की लिस्ट तो नहीं दिखाई है। इतने में डॉक्टर को होश आया। उसने अपनी पलकों को ऊपर उठाया, उसने मेरी तरफ देखा, उसने मुझे ताका। अब यहाँ देखा और ताका मैंने लिखा था, तब मुझे नहीं पता था कि देखा का तुकांत लेखा होना चाहिए, लेकिन मैंने ताका लिख दिया था। डॉक्टर ने मुझे देखा, मेरी तरफ ताका, मेरी तरफ झपटा, मेरी तरफ लपका, मुझे पकड़ लिया, मुझे अपने शिकंजे में जकड़ लिया। बोला कवि नौकरी करोगे? अपनी कविताओं से विज्ञान की सेवा करोगे? मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या करना है बताइए, मैं विज्ञान की सेवा कैसे कर सकता हूँ समझाइए। डॉक्टर बोला तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे साथ अस्पताल चलना है। डॉक्टर, अद्भुत कविता है ये, बिल्कुल नई एंगल की कविता। बोला तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरे साथ अस्पताल चलना है, वहाँ ऑपरेशन थिएटर में जाना है और अपनी कविता सुनाना है। वहाँ ऑपरेशन थिएटर में जाना है और अपनी कविता सुनाना है। मेरा दावा है कि तुम्हारी कविता सुनकर मरीज बेहोश हो जाएगा और 7-8 घंटे से पहले उसे होश नहीं आएगा, इस बीच उसका सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। कक्षा 9 में पढ़ता था। इस बीच उसका सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर दिया जाएगा और बताने लगा कि एनेस्थीसिया बेकार है। बच्चों को बता दें, एनेस्थीसिया ऑपरेशन के पहले गैस सी होती है, इंजेक्शन होता है, उसे बेहोश किया जाता है। एनेस्थीसिया बेकार है, तुम्हारी कविताओं के आगे लाचार है। एनेस्थीसिया ज़्यादा होने से तो फिर भी होश आ सकता है,
लेकिन तुम्हारी एक कविता ज्यादा होने पर मरीज परलोक सिधार सकता है। तुम्हारी एक कविता ज्यादा होने पर मरीज परलोक सिधार सकता है। अब भाइयों बहनों, मैं रोज अस्पताल जाता हूँ। अब भाइयों बहनों, मैं रोज अस्पताल जाता हूँ प्रधान जी। अब भाइयों बहनों, मैं रोज अस्पताल जाता हूँ और वहाँ डोज के हिसाब से कविता सुनाता हूँ। और वहाँ डोज के हिसाब से कविता सुनाता हूँ। इस तरह से मेरी कविताओं का इस्तेमाल भी हो रहा है और हमारा देश विज्ञान के क्षेत्र में आगे भी बढ़ रहा है। विज्ञान के